Test yourself 10.5. Question number 1. Name the types of assaults. There are 6 types of assaults which are named as normal salt, acidic salt, basic salt, double salt, mixed salt and complex salt. Now, question number 2. H3PO4 is a weak acid, but it's salt. Na3PO4 with strong base, sodium hydroxide is neutral. Explain it. Although we know that. H3PO4 is a weak acid, but when it reacts with 3 moles of sodium hydroxide, it completely neutralizes and makes Na3PO4 neutral salt. We can watch in this example. Ye hai bacho hamare paas phosphoric acid. Ya jab ye 3 mole sodium hydroxide ke sath react karega, to 3 protons jo hain phosphoric acid ke wo ionize honge aur 3 OH ke sath milkar kya bana denge? 3 molecules of water और हमें neutral salt Na3PO4 मिलेगा. लेकिन H3PO4 weak acid कैसे है? एक step में ये सिर्फ एक proton जो है वो ionize करता है और इस एक ionize करने के बाद इसके पास 2 proton रह जाते हैं जो indicate करते हैं कि by the ionization of first proton still 2 protons are present in H2PO4-1. Due to this reason, it is a weak acid. जब तक ये तीनों proton को release नहीं करता, तब तक ये strong acid नहीं बनता. और जब ये तीनों proton को release करके strong acid बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? Leveling effect. Next, question number 3. How the basic salts converted into normal salt? Explain with an example. क्वेश्चन है कि बेसिक सॉल्ट्स यानी जिनमें OH मौजूद रहता है और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, उन्हें हम नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करें. तो ये हमने कल के दिन में ही तो पढ़ा था कि व्हेन वी ट्रीट द बेसिक सॉल्ट विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एन एसिड, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल सॉल्ट ड्यू टू कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस एंड OH negative is replaced by some negatively charged ions from an acid or anion. Basic salts are converted into normal salt when they are treated with excessive amount of an acid. For example, हमारे पास ये एक जो है वो basic salt है. ये कैसा salt है? Basic salt है. Lead hydroxide और acetate ion है इसके पास. अब इसे जब हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये वाला OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? एसीटेट के साथ. H पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा और एसीटेट ऑयन जो है OH की जगह एसीटेट ले लेगा और हमें मिल जाएगा लेड एसीटेट एंड वाटर मॉलिक्यूल. जो OH नेगेटिव की वजह से बेसिक बिहेवियर था वो एसीटेट ने रिप्लेस कर दिया और सॉल्ट को क्या बना दिया? नॉर्मल सॉल्ट. व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कंटेन सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन एंड वॉइस वर्सा. ये बच्चों कल ही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की और एग्जाम्पल भी हमने देखी थी. पोटेशियम फेरोस आयनाइड K4FeCN6. इसमें हम देखते हैं सिंपल कैटायन क्या है? पोटेशियम और फेरोस आयनाइड कॉम्प्लेक्स एनायन है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है सोडियम सल्फेट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट. व्हाट आर इट्स यूजेस? सोडियम सल्फेट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट used for manufacturing of glass, paper and detergent. इस्तेमाल होता है शीशा साजी में, कागज़ बनाने में और डिटर्जेंट सफाई बनाने करने वाले केमिकल्स की तैयारी में.